बीजेपी जो है ना वो हॉर्स राइडिंग करती है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके पार्षद बिकाऊ हैं। 2024 में क्या लगता है कि अब जो है फिजा बदलेगी? इस बार बीजेपी और एनडीए की सीटें बढ़ेंगी। ये मूवी आई पठान, उसमें भव्य को ही लेके बवाल हो गया। पठान फिल्म के साथ जो हुआ बिल्कुल सही विरोध नहीं मानता। कभी गिरिराज सिंह बोल पड़ते हैं, कभी प्रज्ञा ठाकुर बोल पड़ती, कभी कोई बोल पड़ता है। ऐसे लोगों को नसीहत भी दी गई है और कई लोगों को पनिशमेंट भी दी गई। राहुल गांधी लगातार भारत यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर तक पहुंचे। यहाँ पे बीजेपी का कोई भी नेता जो है इस तरीके से चल के दिखा है वो इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि उनको डर लगता है। यार सत्ता के लिए इतना गिर जाओगे राहुल जी? सैल्यूट है नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और भारत की सरकार की सोच को। उसका थैंक्स करना चाहिए राहुल जी को। स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बयान दिया, फिर पलटी मार ली, लोगों ने घेरा भी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका प्रमोशन कर दिया। देखिए अखिलेश जी राम और रामचरितमानस इसके आस के शत्रु तो है नहीं। एक समय वही था जो राम मंदिर के ऊपर गोलियां भी चलवाई। अब मुगल गार्डन का नाम बदल दिया। क्या हम ये लगते हैं समझते हैं कि नाम बदलने से सारी सोच सारी विरासत सब कुछ बदल जाएगा? मुगल गार्डन का नाम मोदी उद्यान नहीं हुआ है। बाबाओं का बड़ा बोलबाला है, पहले के दूसरे बाबा थे अब नहीं आ गए, बागेश्वर बाबा। सिर्फ इसलिए कि किसी बाबा के यहाँ बहुत भीड़ हो रही है इसलिए उनको टारगेट करो, ये भी ठीक नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब में बहलो, होगा नया सवेरा, ये भारत देश है मेरा। रूबरू में मिलिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।